Good morning, students. How are you? I hope you are all fine. Welcome to Shell Public School. And myself, my name is Shriya. Today I will teach class 5th and subject GK. And chapter name is Riddle Match. मतलब आपको पहेलियों वाला chapter है ये. आप लोगों ने पहेली सुनी होगी या पढ़ते भी होंगे या पहले आपने पढ़ी भी होगी पहेली. आपके हिंदी के subject के लिए पहेलियां आती हैं. ठीक है, तो आज हम आपको ये पहेली वाला चैप्टर बताएंगे. इसमें फर्स्ट नंबर पर लिखा है, पहले कॉपी निकालेंगे, कॉपी में सब चैप्टर लिखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन, और क्वेश्चन के बाद फर्स्ट नंबर पर लिखेंगे आई हैव हैड एंड टेल बट नोबडी हु एम आई. मतलब मेरा हैड भी होता है और मेरा टेल भी होता है लेकिन मेरी बॉडी नहीं है, तो बताओ मैं कौन हूँ. तो इसका आंसर क्या है, कॉइन. कॉइन मतलब होता है पैसा. जब आप कॉइन को जैसे क्रिकेट मैच होता है तो क्रिकेट मैच में सबसे पहले वाली टीम कौन सी खेलेगी, तो सिक्का उछाल करके और पूछा जाता है कि हेड कि टेल, ये पूछा जाता है. इसलिए वो बोल रहा है कि मेरा हेड भी है मेरा टेल भी है लेकिन मेरी बॉडी नहीं है, तो बताओ मैं कौन हूँ. तो आंसर क्या आएगा उसका, कॉइन आएगा. अब सेकेंड नंबर पर है आई हैव नो आई बट कैन नॉट सी हु एम आई. मतलब वो बोल रहा है कि मेरे पास आंखें नहीं है मेरे पास और मैं देख भी नहीं सकता हूँ, तो मैं कौन हूँ बताओ. तो क्या आएगा, निडिल. निडिल मतलब क्या होता है, सुई. क्या होता है निडिल मतलब, सुई. ठीक है, चलो अब इसके बाद थर्ड नंबर, आई गेट बेटर एंड बेटर द मोर आई ड्राई हु एम आई. मतलब वो बोलता बोल रहा है कि मैं बहुत गीले से गीले व्यक्ति को भी सूखा कर देता हूँ, तो बताओ मैं कौन हूँ. क्या आया इसका आंसर, टॉवेल. जब आप गीले होते हैं, बहुत गीले होते हैं, तो आप क्या करते हैं, टॉवेल लपेटते हैं. तो टॉवेल लपेटने के बाद सारा जो पानी है आपका ऑब्जर्व कौन कर लेता है, टॉवेल कर लेता है ना. नहाने के बाद बात करते हो आप, ऐसे कैसे तो आती नहीं गीले बाहर, कुछ पोंछ कर ही आती हो टॉवेल से, कपड़े से, जिससे भी पोंछोगे आप, तो क्या होगा उसका आंसर, टॉवेल. फोर नंबर पर टेक ऑफ माय स्किन आई डोंट ट्राई बट यू विल ट्राई. आप मेरे स्किन को निकालते जाते हो, मैं नहीं होता हूँ लेकिन आप रोते हो. जितनी भी बार आप उसको काटोगे आप रोगे लेकिन वो नहीं रोएगा, तो कौन हूँ मैं, ऑनियन. ऑनियन मतलब प्याज. उसके बाद फाइव नंबर पर है व्हाट काइंड ऑफ रूम हैज नो विंडोज एंड डोर्स. मतलब वो बोल रहा है कि मेरा रूम होता है लेकिन उसमें ना तो दरवाजा होता है और ना ही खिड़कियां होती है, तो क्या है वो, मशरूम. मशरूम का पौधा दिखा है आपने, इसमें दिखाई दे रहा है आपको मशरूम, ये रहा ऊपर सबसे, ये बिल्कुल रूम जैसा दिखता है, ऊपर छत और नीचे उसका वो सहारा है नीचे के, ये जो दिख रहा है आपको. लेकिन इसमें क्या है, नहीं तो दरवाजा है और नहीं इसमें विंडोज है, तो ये क्या कहलाएगा, मशरूम कहलाएगा. अब उसके बाद फिर देना है लीव बट गिव मी अ ड्रिंक एंड आई डाई. मतलब इसको पी करके आप जिंदा नहीं रह सकते हो, अगर फायर में कोई चला जाता है तो उसके मुंह भी फायर, उसकी पूरी बॉडी में फायर जाती है, तो क्या होता है वो मर जाता है. फायर मतलब क्या होता है, आग. आग के साथ में रह सकते हैं क्या अपन, नहीं रह सकते. अगर अपने को ज्यादा अगर अपन आग में चले जाते हैं या कोई लोग अपने आप को खुद को जला लेते हैं तो वो क्या बचते, नहीं बचते. अगर बच भी जाते हैं तो उनकी पूरी स्किन कैसी हो जाएगी, गंदी हो जाती है थोड़ी सी, है ना, अलग अलग दिखने लग जाती है. तो ये था आपका रिडिल, ठीक है, पहेली वाला चैप्टर था. ये वाला चैप्टर आप सबको अच्छा लगा होगा, ये चैप्टर अभी तक जीडी के जितने भी चैप्टर है उसमें सब में, है ना. तो ये चैप्टर को आप फटाफट से कॉपी में नोट कर लीजिए, इसको CW1 टाइम, और जैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि SW में कॉपी में आपको 4 टाइम जितनी भी बार आपको लिखना है आप लिख सकते हो, इसके पहले जितने भी चैप्टर करवाए वो सब आपको करना है. ठीक है, आज के लिए इतना ही है, नेक्स्ट डे आपको नया चैप्टर